फ्रेंड्स, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं या सब्सक्राइबर हैं उनकी बहुत मेरे पास में कॉल आती है। वो बहुत मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपना एक बार मुझे कैनल दिखाइए कि आपने कैसा कैनल बना रखा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना मिनी कैनल आपको दिखाने वाला हूं जो मैंने अपने घर पर बना रखा है। यहां पर मैं अपनी वो फीमेल्स रखता हूं, या तो जो कंसीव हुई हुई हैं, बच्चे देने वाली हैं, या फिर हीट पे आने वाली हैं, उनको मैट कराना है, तो वो फीमेल्स मैं अपने यहां पर रखता हूं। तो बड़ा कैनल मैं किसी दिन आपको और घुमाऊंगा, अपना जो मैंने घर पे कैनल बना रखा है आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना कैनल दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, या मैंने अपना घर पे ही बना रखा है। ये मेरी घर की छत है, ये जितना भी एरिया है ये सब मेरे डॉग्स के लिए है, ताकि वो घूम फिर सके, आराम से टहल सकें। अब मैं आपको अपने कैनल में लेकर चलता हूँ। फ्रेंड्स आइए, वेलकम है आपका सभी का मेरे कैनल पर। ये मैंने कैनल बना रखा है फ्रेंड्स, ये एक 12x12 का कमरा है फ्रेंड्स, जो मैं अपने छत पे यूज कर रखा है। ये 12x12 इसका एरिया है, 12x12 फुट का, तो जिसमें से मैंने ये 6x6 फुट यहाँ पे एक कैनल बना रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी एक फीमेल है लैब, एक्चुअली ये मैट हो रखी है फ्रेंड्स, इसको एक महीना प्लस हो चुका है। अगर ये कंसीव होती है तो इसकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये कंसीव हुई है, और इसके पपीज की जानकारी भी आपको देता रहूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मेरा दूसरा मैंने एक छोटा सा केज बना रखा है, ये भी 6x6 का है, 6 स्क्वायर फीट बाई 6 स्क्वायर फीट। इसमें मैंने एक अपनी जर्मन शेफर्ड फीमेल रख रखी है, ये तैयार हो रही है, ये फर्स्ट हीट पे आने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अपने यहाँ पर इसको घर पे रख रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मेरी किटी है, ये पग है, जैसा कि आप फ्रेंड्स दिखा सकते हैं। मैं अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी फीमेल दिखाएं। ये पग फीमेल है फ्रेंड्स, इसका जो ये केज मैंने बना रखा है ये 4x6 का केज है, इसके लिए इनफ है, ये छोटी ब्रीड है। एक्चुअली इसके साथ में मैं और भी पपीज रखता हूँ, जैसे एक आध फीमेल और रखता हूँ जो छोटी ब्रीड की है, तो उनके लिए 4x6 का जो केज है वो इनफ है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरी सिट्जू है, ये सिट्जू फीमेल है फ्रेंड्स, चाइनीज ब्रीड है, बहुत सारे दोस्तों को मेरे बहुत अच्छी लगती है ये फीमेल, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भी अभी 3-4 दिन हीट पे आई हुई है फ्रेंड्स, इसकी मैटिंग की वीडियो और आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा।
तो देख सकते हैं आप, ये मैंने इसके छोटे केज में रख रखी है, इसलिए ये अलग अलग फ्रेंड्स रख रखे हैं कि ये फीमेल इस टाइम हीट पे है और वो फीमेल भी हीट पे है, ये मैट हुई हुई है, ये कंसीव होने वाली है और वो हीट पे आने वाली है फ्रेंड्स। इन सबको साथ में हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं तो ताकि ये एक दूसरे में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई बीमारी वगैरह इनको है तो वे एक से दूसरे को ना लगे। थोड़ा थोड़ा एरिया है, पास में ही है लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर है कि अगर इनको कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है तो एक दूसरे से इनको ट्रांसफर ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये मेरे कुछ डॉग्स हैं, इनके आप सिनेमेटिक शॉट आप देखने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। आगे बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो देखते हैं वो वीडियो कब आ रही है फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप करें, एंजॉय कीजिए कुछ मेरे डॉग्स की आगे वीडियो।